प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 2018 से एक परिवर्तन का दौर इस दुनिया में आरंभ हुआ है और 2027 तक जाकर ये पूरा दौर खत्म होगा। ऐसे में 2018 से लेकर 2027 तक का ये समय एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। ये बात मैं अपने कई वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसे में हमने कोविड का एक ऐसा दौर देखा है जिसमें विकास का पहिया पूरी तरह से थम गया था, लेकिन बहुत सारे देश अपने आप को अब पहले वाली स्थिति में लाने में कामयाब जरूर हुए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका इंपैक्ट अभी भी बहुत लंबे समय तक हमें देखने को जरूर मिलेगा। खास तौर पे जो छोटे देश हैं उन्हें इसका डेंट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट तो पूरी तरह से खत्म हो गया है और इंपोर्ट के लिए उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। ऐसे में उनकी बदहाली आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण यदि आपके सामने हो तो आप नेपाल और श्रीलंका को आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। चाइना अब तक की सबसे बड़ी महामारी के प्रकोप को झेल रहा है और इसका इंपैक्ट उसके आने वाले समय में उसकी इकोनॉमी पर जो पड़ेगा उसे भी आप हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। रशिया युद्ध के हालात पैदा कर चुका है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा डेंट देखने को मिलेगा। यूरोप के कई देश वैसे बदहाली के दौर में जाएंगे क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अब उनको महंगे दामों में खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका डॉलर छाप छाप के कोविड से अपने आप को तो बाहर निकालने में कामयाब हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी भी आर्थिक स्थिति इस समय पर चरमरा रही है और इसीलिए वो पेट्रोलियम के दाम भी ऊपर बनाए हुए हैं और हथियारों की सेल बढ़ाने के लिए विश्व में अशांति का दौर भी आरंभ करवा रहा है। ये सारी परिस्थितियां दुनिया को धीरे धीरे आर्थिक मंदी के दौर में लेकर जाएंगी। ये बात दर्शकों मैंने आपको इसलिए बताई कि ये बातें तो आपके सामने है, आपको आसानी से समझ आएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल कारण बताता हूं। 2018 में बृहस्पति के धनु राशि में आने के बाद में एक परिवर्तन का दौर आरंभ होता है। पहले एक पटकथा लिखी जाती है, यानी किसी भी कहानी को लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक इसी तरह का काम शनि ने उस समय पर किया। फिर 2020 के अंदर वो उस पर अमल करना शुरू करता है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया को वो रुकने पर मजबूर कर देता है। 2022 आते आते लगभग 75% दुनिया उस कोविड की महामारी के दंश को झेल चुकी है। जो बच गए हैं वो अब उस चीज को भुगत रहे हैं। इन सब दौर से जब हम बाहर निकलेंगे तो 2025 के अंदर ग्रहों की फिर वो परिस्थिति बन रही है जो किसी विश्व युद्ध का कारण बनाए। अब जब 2025 में हम विश्व युद्ध जैसे हालात देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक हालात कैसे होंगे। और उसमें सबसे ज्यादा डेंट जिनको मिलेगा वो होंगे छोटे राष्ट्र। अब इससे भी आपको यदि मैं बताऊं तो एक तीर से दो निशाने वाली बात होती है। अगर छोटे राष्ट्र आर्थिक तौर पर कमजोर होंगे तो बड़े राष्ट्र उन्हें आसानी से अपने चंगुल में ले सकते हैं। यह भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और विश्व युद्ध जब होगा तो इस विश्व युद्ध के बाद में इस पूरी दुनिया के अंदर बड़े राष्ट्र कुछ गिने चुने रहेंगे और छोटे राष्ट्रों का विलय बड़े राष्ट्र में हो जाए इसकी संभावना भी मैं जरूर देख रहा हूं। लेकिन 2025 के विश्व युद्ध की उस घटना के बाद में 2027 के अंदर ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट देखेगी और उस समय पर ब्रह्मांड में शनि अपनी नीच राशि में होंगे और शनि के अपनी नीच राशि में होने का प्रभाव यह होगा कि दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक मंदी के दौर में अपने आप को पाएगी और उससे बाहर निकलने के प्रयास उन्हें अवश्य करने पड़ेंगे। और दर्शकों ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि परिवर्तन है। हर 30 साल में ऐसा परिवर्तन आता है और इस समय हम वही बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। जैसा परिवर्तन हमने 1990 के दशक में देखा था वही परिवर्तन अब 2020 से देख
देख रहे हैं और ये अभी थमने वाला नहीं है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे और उसमें एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव आएगा वो आएगा कि अब ये पूरी दुनिया धीरे धीरे आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है और जिसके प्रभाव हमको दिखने आरंभ भी हो चुके हैं। अभी छोटे राष्ट्र इसकी पकड़ में आए हैं, धीरे धीरे बड़े राष्ट्र भी इसकी पकड़ में आएंगे और भारत पर भी इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो 2025, 26, 27 में हमको देखने को मिलेगा। यानी 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसके बाद में जिसकी भी सरकार होगी उसे एक आर्थिक सुधार के रूप में भारत में कुछ बड़े कार्यक्रम लाने पड़ेंगे, तभी वो इस आर्थिक स्थिति से अपने आप को बचा पाएंगे। ऐसे में यदि अभी से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जो राष्ट्र अभी भी लापरवाह हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, उन्हें आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। क्योंकि दर्शकों, आर्थिक स्थिति यदि कमजोर हो तो आप चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आप उस परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते। और अभी हमें यह परेशानी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी सरकारें किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी स्थिति को बचा रही है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे एक परिवार के अंदर कमाने वाला मुखिया यदि बीमार हो जाए तो कुछ समय तक जो हमारी बचत होती है उससे काम चल जाता है, लेकिन तब भी हालात ना सुधरे तो फिर धीरे धीरे घर की चीजें बिकना शुरू होती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपके पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं होता तब आपके पास में सिवाय कर्ज लेने के और कोई रास्ता नहीं होता और उस समय पर कोई आपको कर्ज देने को भी तैयार नहीं होता। ठीक इसी तरह की स्थिति इस समय पर विश्व के कई राष्ट्रों के साथ भी घटित हो रही है। अभी वो जैसे तैसे अपनी स्थिति को संभालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अंततः उन्हें अपनी संपत्तियां भी बेचनी पड़ेंगी और संपत्ति बेचने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा कि जब वो कर्ज के दलदल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और उस समय सिवाय दूसरे देशों के हाथ की कठपुतली बनने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प होगा ही नहीं। ऐसे में भारत की स्थिति हाल फिलहाल मजबूत रहेगी 2024 तक, लेकिन 2025, 2026 और 2027 ये 3 साल भारत को भी आर्थिक तौर पर कुछ कड़े प्रयास उनको उस समय करने पड़ेंगे ताकि भारत की इकोनॉमी को मेंटेन किया जा सके। दर्शकों, एक बहुत बड़ा इवेंट है, ग्रहों की परिस्थिति का आकलन है, इसीलिए इस पर वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक था ताकि समय रहते हम उन परिस्थितियों को मैनेज कर पाए। ऐसे में यदि आप लोग भी कोई बहुत बड़े कर्ज के दलदल में फंसे हैं तो कोशिश करके अपने आप को जितना जल्द हो सके उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालें। कहीं बड़ी योजनाएं आप बना रहे हैं, कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं जिसमें आपको अगले 10 से 15 साल का सिनेरियो ध्यान में रखना है, तो आपको अपने उस प्रोग्राम में ये बात भी शामिल करनी होगी कि 2025, 2026 और 2027 इन 3 सालों के अंदर आर्थिक मंदी के तौर में हमको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। ये प्रोविजन भी आपको अपनी योजनाओं में अवश्य करना पड़ेगा, तभी आप आने वाले समय की इन मंदी का जो दौर आप देखेंगे उससे आप अपने आप को बचा पाए। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ही नहीं पूरे विश्व के बारे में आने वाले समय में उनकी किस तरह की इकोनॉमिकल सिचुएशन रहने वाली है उस पर आपको एक डिटेल फोरकास्ट दिया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।